अब आगे अनिल कपूर का कैरेक्टर अपने रिदमिक भैया और उसकी टीम को ये स्पीच दे रहा होता है कि आप हमारे इंडियन एयरफोर्स के टॉप एविएटर्स हो, इसलिए हमने आप सबको चुनकर एक क्विक रिस्पांस टीम बनाई है। अब सबसे पहले तो आप एविएटर का मतलब जान लो, क्योंकि यार एविएटर कोई आम सा एयरफोर्स पायलट नहीं होता है। मूवी बनाओ तो ऐसी बनाओ कि पास वाले देश की जलकर लाल हो जाए, मतलब यार अपना प्यारा पड़ोसी देश जो आए दिन कांड करता रहता है, उन्हीं को फाइटर मूवी ऑन स्क्रीन लाने वाली है, जिसका यार अभी अभी एक ट्रेलर भी आया है। एंड यार ट्रेलर को देखकर मैं ये दावे से बोल सकता हूँ कि ये मूवी 2024 की वन ऑफ द बेस्ट मूवी होने वाली है, मतलब इसे तो कोई नंबर वन बनने से रोक ही नहीं सकता है, सिवाय सेंसर बोर्ड के। लेकिन यार अगर आपको अभी भी इस बात पर शक हो रहा है तो यार पहले जरा आप ये जान लो कि इस मूवी को डायरेक्ट कौन कर रहा है। अब हाँ यार, इस मूवी को भी वही डायरेक्टर डायरेक्ट कर रहा है जिसने कि पहले वॉर एंड पठान जैसी सुपर हिट मूवी को डायरेक्ट किया है। अब हाँ, द वन एंड ओनली सिद्धार्थ आनंद। अब यार डायरेक्टर साहिब ने इस मूवी को भी अपनी पिछली ब्लॉकबस्टर मूवी पठान की ही तरह 25 जनवरी को रिलीज करने का फैसला लिया है। और यार ये रिलीज डेट इस मूवी के लिए एकदम परफेक्ट भी है, क्योंकि यार जो कुछ इस मूवी में दिखाया जाने वाला है उसके लिए इससे अच्छा दिन और कोई हो ही नहीं सकता है। अब यार थोड़ा अगर इसके ट्रेलर में दिखाई गई डिटेल्स पर बात की जाए तो यार ट्रेलर की शुरुआत अपने रिदमिक भैया के एक मस्त से डायलॉग से होती है, जिसमें वो ये बोलते हैं कि फाइटर वो नहीं होता है जो कि अपना टारगेट अचीव करे, बल्कि फाइटर वो होता है जो कि उन्हें ठोक दे। अब इस सब डायलॉग बाजी के साथ एक फाइटर प्लेन को दिखाया जाता है जो कि अपने इंडिया का होता है, जिसे खुद अपने रिदमिक भैया उड़ा रहे होते हैं। अब वो उस प्लेन से एक और प्लेन का पीछा कर रहे होते हैं। अब उस दूसरे प्लेन का कलर ग्रीन होता है, तो आप समझ जाओ कि वो किस देश का होगा। पर आज जैसा कि अपने रिदमिक भैया ने कहा कि फाइटर वो होता है जो कि अपने टारगेट को ठोक दे, तो ठोक देते हैं वो भी उस हरे कलर के प्लेन को। अब आगे अनिल कपूर का कैरेक्टर अपने रिदमिक भैया और उसकी टीम को ये स्पीच दे रहा होता है कि आप हमारे इंडियन एयरफोर्स के टॉप एविएटर्स हो, इसलिए हमने आप सबको चुनकर एक क्विक रिस्पांस टीम बनाई है। अब सबसे पहले तो आप एविएटर का मतलब जान लो, क्योंकि यार एविएटर कोई आम सा एयरफोर्स पायलट नहीं होता है। अब एयरफोर्स पायलट जहां पर F-15, F-16 एंड F-22 को ही उड़ा सकता है, वहीं एविएटर जो कुछ भी आप आसमान में देखते हो उन सबको उड़ा सकता है, और हवा जमीन और पानी जहां जाए वहीं पर अटैक कर सकते हैं। अब आसान भाषा में आप ये समझ लो कि एक फाइटर पायलट के जहां काम बटे होते हैं, भाई एविएटर एयरफोर्स में जो काम होते हैं उन सबको कर सकते हैं। अब इस मूवी में भी देश के जितने भी टॉप एविएटर्स होते हैं उन्हीं को चुनकर एक क्विक रिस्पांस टीम बनाई गई है जो कि दुश्मन देश को एक जवाबी हमला दे, वो भी क्विकली। अब आगे के सीन में अपने ऋतिक रोशन का कैरेक्टर अपने फाइटर प्लेन के साथ ये दिखा भी देता है कि एविएटर कितना काबिल होता है, मतलब यार बंदा हवा में वो स्टंट कर रहा था जो कि मेरे से एक साइकिल से जमीन पर भी ना हो। अब आगे के कुछ शॉट्स में अपने ऋतिक रोशन एंड दीपिका पादुकोण के कैरेक्टर के लव रिलेशन के कुछ क्विक सीन्स को दिखाया जाता है। एंड यार मैं तो यही प्रे करूंगा कि ये लव वाला एंगल जितना छोटा ट्रेलर में था उतना ही छोटा मूवी में भी हो, क्योंकि यार मूवी में जहां एक तरफ देश को बचाने और देशभक्ति के नारे लग रहे हो, वहीं बीच में अगर आप ये भाभूशोदा वाला एंगल घुसा देते हो तो यार इससे ज्यादा वाहियात डिसीजन और कुछ भी नहीं होगा। अब बड़ा एग्जांपल आप हाल ही में आई हनुमान मूवी का ले सकते हो, मतलब यार वो मूवी एक बहुत ही ज्यादा छोटे से बजट के साथ बनी एक मास्टरपीस है, पर जो उसमें हमारे मेन कैरेक्टर एंड उसके लव इंटरेस्ट के बीच में प्रेम कथा वाला सेगमेंट दिखाया जाता है, अगर उसको छोटा कर बचे हुए टाइम को विलन के कैरेक्टर बिल्डअप में लगा दिया जाता तो यार और भी ज्यादा अच्छा होता। अब खैर ऐसा फाइटर में बिल्कुल भी ना हो। अब हाँ, सिद्धार्थ आनंद अपनी पिछली मूवी पठान का एक बेस्ट एग्जांपल ले सकते हैं। अब आगे की सीन में हमें एक बम ब्लास्ट को दिखाया जाता है जो कि इंडियन एयरफोर्स पर हमारे ही एक प्यारे पड़ोसी देश ने किया है, जिसके बाद यार हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर को दिखाया जाता है जो कि ये कहते हैं कि ये हराम के बिल्ले पिछले 50 सालों से बकचोदी किए जा रहे हैं और किसी भी सरकार ने उन्हें एक करारा जवाब नहीं दिया, पर अब उन्हें ये बताने का वक्त आ गया है कि बाप कौन है। नाउ यार ये डायलॉग सुनते टाइम मैं तो एक ही बात को सोच रहा था कि क्या सच में मोदी जी ने ऐसा बोला होगा कि बाप कौन है, बाप कौन है। अब यार यहाँ से आगे मूवी अपने मेन एक्शन में आएगी, जिसमें यार अपने रिदमिक भैया और उनकी टीम पीओके में एंटर कर लेंगे और ईंट का जवाब पत्थर से नहीं बल्कि धोखे का जवाब बम से देंगे। पर इस अटैक के बाद पाकिस्तानी एयरफोर्स भी इंडिया में घुसकर इंडिया के कई जवानों पर मिसाइल अटैक कर देगी। एंड यार इसके बाद जो फाइट होगी शायद वही इस मूवी की फाइनल बैटल भी होगी। अब यार ये मूवी आज से कुछ ही दिनों बाद यानी 25 जनवरी को रिलीज होने वाली है। अब आपको क्या लगता है कि क्या ये मूवी भी अपनी पिछली जो 25 जनवरी को मूवी आई थी यानी पठान उसका रिकॉर्ड तोड़ पाएगी या नहीं, लेट मी नो इन द कमेंट्स। बाकी यार हनुमान मूवी का रिव्यू आपको एंड स्क्रीन वाली वीडियो में मिल जाएगा, उसे भी आप जरूर चेकआउट करना, क्योंकि यार सिर्फ 25 करोड़ में इतना कमाल का मास्टरपीस आपको और कहीं भी नहीं मिलेगा। तो हाँ, हनुमान के यूनिवर्स को डिटेल में जानने के लिए इस वीडियो को जरूर चेकआउट करना। एंड हाँ यार जाते जाते अगर लाइक कर सकते हो तो यार वो भी जरूर कर देना, कर दिया करो यार प्लीज़।